हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना डायल पैड जो होता है उसका जो कीबोर्ड पे जो साउंड आता है उसको बंद कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा डायल पैड साउंड कैसे बंद कर सकते हैं। मैं सुना देता हूँ। तो आप इस साउंड को कैसे बंद कर सकते हैं, आपने सुन लिया है साउंड, इसे बंद कैसे करना है आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं किस तरीके से आप अपना जो कि डायल पैड का जो मोटोरोला की डिवाइस में किसी भी डिवाइस में मोटो E5 में आप इसे मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ मोटो E5 प्लस में है, और आप चाहे तो मोटोरोला की किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। लगभग सेटिंग यही होता है, एंड्रॉयड 1 पे जो भी रन करता है उसके आपको सिमिलर सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डायल पैड में। डायल पैड में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैक का बटन दिखता है, एक बार और दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका और भी फीचर्स है जिसके बारे में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप रिंगटोन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन चीज़ तो क्या था, बंद करना है डायल पैड का जो साउंड है उसे बंद करना है। तो कैसे बंद करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एडवांस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टच साउंड, मतलब जो टच करते हैं उस साउंड को कैसे बंद करते हैं, तो इस पर ऑफ़ कर दीजिए और ये आपका बंद हो जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा बंद हुआ है या नहीं, एक बार फिर से हम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस अभी बंद नहीं हुआ है, तो फिर से हम चलते हैं इसी सेटिंग में और यहीं पे हम फिर से जाएंगे सेटिंग पे, और यहाँ पे हम फिर से हम जो भी साउंड का जो वाइब्रेट वगैरह होता है इसी पे जाकर के साउंड उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मोड का एडवांटेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं डायल पैड टोन, इस पर क्लिक करना है। अब क्या है कि टच करते हुए हमें जो साउंड आता था वो साउंड भी नहीं आएगा और डायल पैड पे जो आता था वो भी नहीं आएगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, फिर से बैक करके देखते हैं कि हमारा डायल पैड में साउंड हटा या नहीं। तो गाइस ये हट चुका है साउंड, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।